नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज। तो वक्त हो गया है दोपहर की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। चिदंबरम की 8 दिन की सीबीआई रिमांड खत्म, आज होगी कोर्ट में पेशी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दिया यह ऑफर। आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम खुद ही रिमांड में रहना चाहते हैं। चिदंबरम को डर है कि अगर रिमांड खत्म हुई तो उनको जेल भेज दिया जाएगा, इसलिए चिदंबरम खुद ही ऑफर दे रहे हैं। चिदंबरम को लगता है कि अगर रिमांड के बाद बेल नहीं मिली तो उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने चिदंबरम की तरफ से कहा है कि मैं 2 सितंबर तक सीबीआई की कस्टडी में रहने का ऑफर देता हूं। ईडी को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीबीआई के केस में कल मेरी रिमांड खत्म हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया है और दलील दी है कि इसका फैसला ट्रायल कोर्ट में कर सकती है। पाकिस्तान ने लगाई अत्याधुनिक भारतीय रुपए में सेंध, असुरक्षित रह गया है 2000 रुपए का नोट। पाकिस्तान से भारत में झोंके जा रहे 2000 रुपए के नए नोट की ताजा खेप की जब्ती ने हिंदुस्तान सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इस खेप में सप्लाई किए जा रहे 2000 रुपए के नोट में पाकिस्तानी तंत्र ने उस सभी सुरक्षा आयामों की हूबहू नकल की है जो बिना सरकारी मदद से मुमकिन नहीं है। सच तो यह है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी प्रेस में छाप करके भारतीय बाजारों में लाकर के झोंके जा रहे 2000 रुपए के इस नकली और भारत में असली नोट में कोई फर्क नहीं है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी और दिल्ली पुलिस भी चौकन्ने रह गई है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा हाल ही में जब्त किए गए नकली नोटों की खेप जांच के बाद यह साबित हो गया है कि एक बड़ी साजिश के तहत पाकिस्तान का सरकारी तंत्र भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए हाई क्वालिटी की जाली भारतीय नोट थोक के हिसाब से भेज रहा है। जांच में पता चला है कि कराची में मल्टी हाल इलाके में पाकिस्तानी सिक्योरिटी प्रेस में छापे जा रहे इस जाली नोट में भी पहली बार ऑप्टिकल वेरिफायर इंक का भी इस्तेमाल किया गया है। यूपी में तबादलों और ठेके पट्टों की खुफिया निगरानी करेगी योगी सरकार, मंत्रियों को किया आगाह। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में होने वाले तबादलों और ठेके पट्टों की विशेष निगरानी करने के लिए तैयार है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंत्रियों से संबंधित विभागों के कामकाज की निगरानी शुरू हो गई है। विभाग सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सरकार के विस्तार के बाद मंत्रियों के विभागों और निजी सचिवों के साथ ही जनसंपर्क अधिकारियों के कामकाज पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। संगठन और सरकार के महत्वपूर्ण लोगों के साथ ही खुफिया एजेंसी भी नजर रखेगी। मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों के दूसरे माध्यम से भी अपने मंत्रियों के कामकाज की निगरानी लेंगे। मंत्रियों को आगाह किया गया है कि वे कोई भी कार्य न करें जिससे सरकार और संगठन की किरकिरी हो और विपक्ष को बैठे बैठे कोई मुद्दा मिल जाए। अब योगी सरकार का पूरा जोर पारदर्शी और ईमानदारी पर है। बिहार सरकार का आदेश, अब जींस पैंट पहनकर न आए ऑफिस। बिहार सरकार ने सचिवालय में हर स्तर के कर्मचारी के जींस और टी शर्ट पहनकर के कार्यालय आने पर रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग में कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मचारियों को फॉर्मल ड्रेस पहनकर के कार्यालय आने का आदेश दिया गया है। बिहार सरकार के अवर सचिव शिव महादेव प्रसाद की ओर से यह जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि देखा जा रहा है कि विभाग में काम करने वाले पदाधिकारी और कर्मचारी ऑफिस संस्कृति के खिलाफ अनौपचारिक ड्रेस पहनकर के कार्यालय आ रहे हैं। ऐसा पहनाव कार्यालय की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि अब इसे हर हाल में अनौपचारिक परिधान या फिर फॉर्मल ड्रेस में ही कार्यालय आना होगा। पीएम मोदी ने कहा, नए भारत में सरनेम नहीं, युवाओं की क्षमता महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत में सरनेम मायने नहीं रखता बल्कि अपना नाम बनाने की युवाओं की क्षमता मायने रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने मलयालम मनोरमा के एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा है कि नए भारत में चीजें बेहतर के लिए बदल रही है और भ्रष्टाचार का कोई अंत नहीं है। भारत आज उन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहा है जहां हम पहले मुमकिन से नजर आते थे, चाहे स्टार्टअप हो, खेल हो। आज लोग कहते हैं कि हम स्वच्छ भारत बनाएंगे, हम भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, हम सुशासन को एक जन आंदोलन बनाएंगे। पंजाब और हरियाणा अदालत में पेश नहीं कर पाए, चंडीगढ़ की राजधानी होने की अधिसूचना। पंजाब और हरियाणा की तरफ से चंडीगढ़ पर अपना अधिकार जताया जाता है, लेकिन चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी कैसे है इसको साबित करने के लिए दोनों राज्यों के पास न तो कोई दस्तावेज है और न ही कोई अधिसूचना। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में जवाब तलब किया था कि चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी बनाने को लेकर कोई नोटिफिकेशन या फिर दस्तावेज कोर्ट में पेश किया जाए। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील ने कहा है कि अभी उसके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है मगर चंडीगढ़ के पास इसके संबंधित अधिसूचना हो सकती है। हालांकि हरियाणा सरकार के वकील का तर्क था कि केंद्र सरकार से इसकी जानकारी मांगी गई है जिसके चलते उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय भी दिया जाए। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को मामले के प्रतिवादी बनाया है और 9 सितंबर के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का भी जवाब मांगा है।
मक्खियों से हार रहा भारत को परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची बंदी से आजकल नई समस्या से जूझ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर को मक्खियों ने अपने कब्जे में ले रखा है। बाढ़ के बाद तो मक्खियों का आतंक और भी ज्यादा बढ़ गया है। हालत यहां तक पहुंच गई है कि भारत को परमाणु बम की धमकी देने वाला देश इन दिनों मक्खियों की चपेट में आ गया है और इसका कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा है। यहां तक कि कराची में मक्खियों की खबर अमेरिका के अखबार में भी छापी गई है। यहां मोहल्ला, घर, बाजार, दुकानें आदि पर मक्खियों का आतंक है। आपको बता दें कि कराची दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है, लेकिन यहां कई इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है।